Minecraft Survival Series, but this time it is Java edition. So hey gamers, welcome back to Tech on Gaming. Yeah, Tech Gaming. So guys, we are back with another survival series. जैसे कि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हारी survival series का क्या हुआ, जो कि pocket edition वाली थी. But हाँ, मैंने उसको delete कर दिया as usual, जैसे मैं करते हूँ, because मेरा फ़ोन तो क्या ही बोलो यार. अभी आगे बढ़ते हैं हम. फिलहाल मैं यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना चुका हूँ, लाइक बेसिकली तुम लोग देख ही रहे हो, एक्स बन चुकी है. अभी पिक एक्स बना लूँगा एंड फिर हम स्टोन टूल्स पे अपग्रेड हो जाएंगे. अपडेट बोल रहा था मैं. एंड अभी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेते हैं हम एंड आगे बढ़ते हैं. मैं सोच रहा शीप को मार लेते हैं पहले. तो शीप प्लीज़ कम हियर, बिकॉज देखो रात हो गई तो शीप दूर चले जाएगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो बेड बना लेंगे हम, एक फ़ायदा तो हो ही जाएगा हमें. और अभी ये दो यहाँ पे तो शीप की पहाड़ी ही चल रही है. खैर चलो, अभी हम इसको भी मार देते हैं. चलो भाई, वूल मिल चुका है हमें एंड ये भी मिल चुका है. डाई डाई भी देती है क्या शीप? आई गेस मुझसे वो फ्लावर टूट चुका होगा, इसलिए मेरे को एडवांसमेंट मिली थी वो. खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं. एंड और कोई है क्या यहाँ पे? चलो भाई अभी हम यहाँ पे रखते हैं, बेड बना लेते हैं. इसको ऐसा लाइन पे रखा, इसको भी ऐसा लाइन पे रखा और हमारा बेड बन गया, सिंगल बेड. ठीक है, तो अभी अभी चलते हैं हम, अभी अपना घर बनाएंगे. बगैर घर एक सेफ जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना, लाइक चलो भाई आगे बढ़ते हैं. एंड एक सेकेंड मुर्गी मुर्गी ज़रा आप एक सेकेंड भाई, मुर्गी को पहले मार देते हैं. खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अरे मर यार, क्या भाग रही है भाई? ये तो भागते जा रही भाई. ये मशरूम बायोम है ना गाइस? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मशरूम बायोम मिल चुकी है मुझे. ओ भाई, ये तो नहीं मिला, ये क्या होता है? ओ भाई, मशरूम बायोम है. ये डर्ट है क्या? हाँ डर्ट ही है वो भाई. मशरूम बायोम की काउज नहीं है यहाँ पे, मतलब काउ मिल जाती. काउज भी है भाई, किसने कहा नहीं है? मैंने ही कहा वैसे, बट नहीं है. किसने कहा भाई साहब? लेट्स गो. मतलब ये माइनक्राफ्ट की सबसे रेयरेस्ट बायोम होती है भाई, मशरूम बायोम. यहाँ पे एक मॉब भी स्पॉन नहीं होता है, ये सबसे एडवांटेज है इस जगह. मैं यहीं पे घर बनाऊंगा भाई, अभी मेरे को घर यहीं पे बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज यहाँ पे जॉम्बी स्क्रीपर कोई स्पॉन नहीं होता, कोई किस्म का मॉब स्पॉन नहीं होता. ये एकदम फ्रेंडली बायोम है बेसिकली, और ये सबसे छोटी बायोम है. सो यहाँ पे हम हमारा एक सिटी बेसिकली बना लेंगे. तो या दिस इज़ द बेस्ट. एंड अभी हम चलते हैं, घर बना लेते हैं हमारा. तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे जाते हैं गाइस हम लोग. अरे इसको यहाँ पर ये रखो ना यार, पानी हमेशा आ जाता है बीच में. क्या तकलीफ़ है पानी को, मेरे को भी समझ में नहीं आता. कोल मिल चुका है, अभी कोल से हम फर्नेस बना लेंगे. सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरी माइनिंग करके आ चुका हूँ. स्टोन मुझे मिल चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक माइनिंग एरिया बना लिया हमारा. और ये मेरी आदत है कि मैं कभी भी लाइक माइनक्राफ्ट खेलता हूँ ना, एक माइनिंग एरिया सेपरेट कर देता हूँ. बिकॉज हम मेरे को ऐसा नहीं दिखता कहीं भी ऐसे वर्वीन से जाओ, एक अपना सेपरेटली एक स्टेयरकेस जैसा रिवीन बना लो, लाइक एंट्रेंस बना लो माइनिंग एरिया की. सो वो बेस्ट रहता है समझो. ठीक है, तो ये बना लिया मैंने. एंड अभी यहाँ पे मैं इसको कवर कर लेता हूँ ताकि ये काउस यहाँ पे फंस ना जाए, बिकॉज ये काउस को मेरे को संभाल के रखना है. लाइक ये यहाँ पे ये स्पॉन ये ही होगी, यहाँ पे कोई दूसरा मॉब स्पॉन नहीं होता, मुर्गी नहीं होती, कोई मॉब स्पॉन नहीं होता बेसिकली. ये एक हर मॉब से प्रूफ है. लाइक यहाँ पे अगर मुझे खाना भी चाहिए ना, तो मुझे दूसरी बायोम से लेके आना पड़ेगा वो लोग को. लाइक जो भी हमारे खाने हमको कौन देता है, शीप देती है, काऊ देता है, वो बेसिकली वो वैसा सीन हो जाएगा. तो फिलहाल अभी हम स्विच हो जाते हैं स्टोन टूल्स पर. मैं वुड क्यों डाल रहा था मेरे को नहीं पता. अभी हम यहाँ पे एक्स बना लेते हैं एंड फिर पिकैक्स बनाएंगे हमारी, और उससे हम माइन करेंगे आयरन. आयरन की पिकैक्स भी चाहिए हमें. और अभी ये मिल चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ अगले एपिसोड में, नहीं यार लाइक मैं हर वक्त बोलता हूँ कि दूसरे एपिसोड में आयरन फार्म बनाऊंगा, बट विलेज ढूंढना भी सबसे बड़ा दिक्कत है ना. विलेजर्स कहाँ से, कौन सी दुनिया से लूँगा मैं? खैर हम विलेजर्स को अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे. अगर विलेज मिल चुका है तो ठीक है, वरना मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा. नहीं लाइव स्ट्रीम मैं कर तो दूंगा, बट मेरी वॉइस नहीं आएगी गाइस, बिकॉज माइक का इशू है थोड़ा. तो माइक लाइक मैंने कल या परसों मैंने एक स्ट्रीम करी थी बेडवर्ड्स की, रोब्लॉक्स बेडवर्ड्स की एंड वेलोरेंट की. तो बेसिकली तुम लोग बहुत आए थे लाइक हेल्पिंग
बट जजेट गेमिंग और बहुत सारे लोग आए थे, तकरीबन लाइक 10 to 20 लोग आके बोल रहे थे, बस स्पैम चल रहा था भाई। ओ भाई एक सेकेंड, सामने विलेज है भाई, ये कैसे हो सकता, मतलब भाई विलेज मिल गया, मशरूम बायोम मिल गई प्लस भाई। सो गाइस अभी मैं तुम लोग को सच ही बता देता हूँ गाइस, एक्चुअली ना मैं विलेज को देख चुका था, बट एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो ज़्यादा फास्ट है, तो मेरे को वॉइस ओवर करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, दैट्स वाई मैंने थोड़ा ज़रा जल्दी बोलने की कोशिश में ज़ोर से बोल दिया। खैर इस सब चीज़ को इग्नोर करना तुम लोग। और गाइस जहाँ तक बात आती है लाइव स्ट्रीम की, तो लाइव स्ट्रीम मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे पास एक स्पेसिफिक माइक नहीं है, जो लाइक बेसिकली कंडेंसर माइक नहीं है, और जो मेरे पास पुराना माइक था वो सिर्फ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और कैमरा के लिए होता है बेसिकली। पीसीज के लिए अलग माइक आते हैं, जैसे कि कंडेंसर माइक और अलग यूएसबी वाले, मतलब बेसिकली वो लोग बने होते हैं पीसी यूज़ के लिए, एंड वो लोग साथ ही साथ फ़ोन में भी आ जाते हैं, बट फ़ोन वाले पीसी में नहीं चलते हैं। एंड या तो, और वो माइक बोया का भी नहीं था, बोया का रहता तो वो शायद आ सकता था, बट ये बोया का नहीं है, अलग कंपनी का है। खैर हम इसके बारे में अगले अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा बाद में। एंड अभी हम मशरूम बायोम तो है, हमें विलेज भी मिल चुका है, बट अभी पॉइंट ये है कि मैं अपना घर यहाँ पर लाइक यहीं पर रह लूँ या हम मशरूम है मेरे। अब बेसिकली तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तो मशरूम बायोम में रहूँगा, और यहाँ पे मुझे आर्मर मिल चुका है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स गो, अरे यार ये लग गया वापस, इसको यहाँ पे पहन लेते हैं हम। और आप लोग सोच रहे हैं मैं पहन कैसे रहा हूँ, तो माउस का होता है ना, माउस में हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पहन लेता है स्टीव। और अभी हम ये भी ले लेते हैं बिकॉज इसमें से चारकोल मिल जाएगा हमको। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो अभी यहाँ पे पम्पकिन्स भी है, बट लेकिन पम्पकिन का कोई काम नहीं है हमको। अभी हम आयरन गोलम भी स्पॉन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास तो आयरन भी नहीं है, तो बेसिकली कोई वो नहीं है। खैर अभी यहाँ पे शिप है तो शिप को मारते हैं एंड मज़े करते हैं, आई मीन क्या मज़े करेंगे, बट हाँ खाना मिलेगा ना। तो खैर अभी यहाँ पे और कुछ है क्या देख लेता हूँ मैं, ये विलेजर सो रहा है, और यहाँ पे हमें मिल जाती है ब्रेड, लेट्स गो। तो ब्रेड ले लेते हैं, आलू ले लेते हैं, आई मीन पोटैटो ले लेते हैं, स्वीट बेरीज ले लेते हैं, और ये क्या है फरन भाई, काम में आएगा फ्यूचर में। खैर अभी हम यहाँ पे सो जाते हैं ताकि सुबह हो जाए, विलेजर के सोने से सुबह तो नहीं होगी, हमारी सोने से ही होगी। तो अभी सुबह हो जाती है, हमारी एडवांसमेंट भी हमको मिल चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड बेसिकली ये विलेज एकदम लाइक यहाँ पे हेबेल भी नहीं है ब्रो, लाइक क्या ही खाना है यहाँ पे, खाना के नाम पे कुछ भी नहीं, क्या ही बोलूँ मैं। अरे खैर हम दूसरा विलेज ढूंढेंगे जो प्लेन्स बायोम में रहेगा, बट उससे पहले मैं एक आयरन फार्म बनाना चाहता हूँ, और हमारा आर्मर एक अच्छा एक डायमंड आर्मर तक पहुँच लूँ ना, तो मैं एक्सप्लोरेशन पे फोकस करूँगा, बेसिकली एक्सप्लोर करूँगा वर्ल्ड को, ठीक है। तो मैंने बेल बजाई है, हो सकता है लोग डर के आयरन गोलम स्पॉन कर दे, बिकॉज मेरे को आयरन की बहुत ज़रूरत है। लाइक बेसिकली दो चीज़ मिल चुकी है, अभी हमें पैंट बनानी है, लेगिंग्स बनानी है, और हमें जूते चाहिए, बूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते ये कैसा घर है भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो हेलो विलेजर, बेसिकली अभी ट्रेड भी करेंगे। और हाँ गाइस नेक्स्ट एपिसोड से पहले मैं बता दूँ कि मेरे को बहुत टाइम लग जा रहा है एडिटिंग करने में, माइनक्राफ्ट का एपिसोड बनाने में, बिकॉज ये पीसी में मेरे को पता ही नहीं चल रहा, खेलते खेलते लाइक आधे घंटे की रिकॉर्डिंग एक घंटे की रिकॉर्डिंग बन जा रही है। सो दैट्स वे मैं थोड़ा टाइम लगेगा, अगर तुमको माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 प्लस जावा एडिशन वाला चाहिए तो, और दूसरी वीडियोज़ कौन सी डालनी चाहिए, लाइक अगली वीडियो कौन सी, किस टॉपिक पे, किस गेम पे होनी चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या तो लाइव स्ट्रीम तो नहीं हो पाएगी जहाँ तक लाइव स्ट्रीम की बात है, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा माइक ठीक हो जाए, बट माइक मेरे पास है नहीं तो मैं लाइव स्ट्रीम कर नहीं सकता। एंड खैर यार इसको मारते हैं पहले, चलो भाई इसको मारते हैं, अभी हम वापस घर को जाते हैं गाइस, अभी बहुत एक्सप्लोरेशन हो गया, एंड वीडियो को भी एंड करते हैं, 10 मिनट के ऊपर मैं नहीं बनाता। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे हमारा घर और वाटर बकेट करनी चाहिए थी, पर मेरे पास वाटर बकेट है ही नहीं। एंड यहाँ पे हमको ये मिला है तो इसको मैं टेम कर लेता हूँ फटाफट से। चलो भाई इन्हें आएगा, हमारा टेम हो चुका है। मैं सोचता था कि डॉग से बोन से भी टेम होते, खैर मैं भाई यार इसको मैंने लाइक मेरा खाना वेस्ट भाई, क्या ही बोलूँ मैं। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको इग्नोर करेगा जाए, इसको हम टेम कर लेंगे अगले एपिसोड में। और
अभी हम चलते हैं घर के ओर, एंड मेरे को अभी आयरन की बकेट भी बनानी है, और यहाँ पे रिवीन भी है, वो रिवीन भी दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं कि पानी यहाँ पे। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, मतलब डर्ट का कलर भी देख सकते हो तुम लोग। सही है यार, सही है। चलो ये रिवीन है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मुझे डायमंड्स भी मिल जाएंगे, आयरन तो बहुत ही सारा मिल जाएगा मुझे। फिलहाल यहाँ पे हम एक घर बना लेते हैं हमारा छोटा सा, जहाँ पे हम टेम्पररी टाइम के लिए रह ले। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने वुड से बना लिया घर हमारा, तो रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर चुका हूँ मैं। एंड यहाँ पे अभी हम रूफ़ बनाएंगे, तो रूफ़ भी बन चुकी है। एंड यहाँ पे अभी हम क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, और अभी हम बनाएंगे डोर। तो डोर की रेसिपी कुछ इस तरीक़े से थी, 3 डोर बनेंगे, तो इसको फेंक देते हैं, इसको ले लेते हैं, एंड इसको भी ले लेते हैं। एंड यहाँ पे इसको मेरे को ऐसा रखना पड़ेगा कुछ इस तरीक़े से, इसको भी ऐसा, इसको ऐसा। एंड नाउ आई एम गन्ना डू वन थिंग, दैट इज़ कि अब हमारा डोर रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे डोर लग जाएगा हमका, लाइक ऐसा सही हो, सीन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आएगा फर्नेस, तो इसके लिए फर्नेस के लिए मैं लेवल कर देता हूँ एक, अच्छा सही से लेवल कर देते हैं गाइस, तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस आ जाएगा हमारा, एंड अभी यहाँ पे हम कोल रख देते हैं। तो बस सो गाइस, बेसिकली तुम लोग के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई तुम लाइव स्ट्रीम करो, बट लाइव स्ट्रीम करने के लिए मेरे पास वाईफाई का इशू चल रहा है, दूसरा मेरे पास माइक का इशू है, माइक ही नहीं है, मतलब जो पीसी वाला माइक आता है ना, वो कंडेंसर माइक, वो नहीं है। एंड और एक बात ये, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।